हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। फ्रेंड्स, आज से हम लोग मेहंदी डिज़ाइनिंग के बारे में चालू करने वाले हैं। तो उससे पहले हमारा जो हैंड कंट्रोल होता है वो कैसे किया जाता है, या हैंड कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक होनी चाहिए, या कैसे हम लोगों को सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैंड कंट्रोल के लिए आज प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले आपको हैंड को ऐसे रखना है और एक फिंगर से आपको हैंड को सपोर्ट देना है। यहाँ से मैं फर्स्ट सर्कल चालू कर रही हूँ, लेफ्ट साइड से मैंने स्टार्ट किया है। मिनिमम इसमें 3 से 4 लाइन ही आपको ऐड करनी है। सेकेंड सर्कल में स्टार्ट कर रही हूँ राइट साइड से, उसका अपोजिट। ये दिखने में जितना इजी है उतना ही है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको टफ लगेगा थोड़ा। तो ये यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, देन ये आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा आता है हैंड कंट्रोल के लिए, स्ट्रेट लाइन जो मैंने यहाँ से स्टार्ट की है, सेकंड, फिर हमारी रहेगी क्रॉस लाइन। ये मेहंदी डिज़ाइन में बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मैं कहाँ कहाँ पे इन लाइन का और इन चीज़ों का मैं यूज़ करने वाली हूँ। फिर जो हमारा रहेगा स्ट्रेट लाइन, उसको डार्क कैसे करना है आपको, बोल्ड। तो 2 लाइन के बाद मैं इस लाइन को यहाँ से फिल करना चालू करूँगी। फिनिशिंग के लिए आपको बार बार इसके ऊपर 2 से 3 बार ऐसे लाइन को उठा के डालना है, ताकि अगर आपकी लाइन में नीचे दाने हो वो क्लियर नहीं हो, तो ऐसे करने से वो लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी। ये एक लाइन हमारा बोल्ड है, सेकंड। इसके बाद में नॉर्मल जो हमारी लाइन है वो स्टार्ट की है मैंने, फिर इसके ऊपर। इस तरीके से बारीक बारीक डिज़ाइन में यहाँ पे कर रही हूँ, वो हैंड कंट्रोल के लिए। आपको डे 1 में ओनली इतना ही करना है, इन सब की ही आपको प्रैक्टिस करनी है, इनसे आपका जो है हैंड कंट्रोल में आ जाएगा। और जो भी डिज़ाइन आप बनाओ बिना सपोर्ट के आपको नहीं बनाना है, सेकेंड हैंड से आपको उसको सपोर्ट देना है, उसके बाद ये डिज़ाइन स्टार्ट करनी है। सेकेंड लाइन वापस मैं वही रिपीट करूँगी इसके ऊपर। कोन को आपको घिसना नहीं है, उठा के चलाना है। ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कोन है वो पेपर के ऊपर टच ना हो। इसको आप स्पीड में करने की कोशिश ना करें, इसको जितना आप आराम से बनाओगे उतनी ही फिनिशिंग आएगी, उतनी ही क्लियरिटी से ये सारी डिज़ाइंस दिखेगी। नेक्स्ट जो हमारी आएगी जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन को आपको इजीली इस तरीके से कोन को उठा के आराम आराम से चलाना है, इसे जिगजैग लाइन आपको बनानी है। ठीक है, और आपको ऐसे करके ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उससे ये वर्क बहुत गंदा लगने वाला है। जो क्लियरिटी आएगी आपकी वो एकदम आराम आराम से आप इस तरीके से करोगे, वो एकदम जिगजैग क्लियर दिखने वाले हैं। ये हमारी जिगजैग लाइन है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉस जिगजैग लाइन। Thank you.
ये जस्ट हम लोग प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इन सब का यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं नेक्स्ट डिज़ाइन में सब बताने वाली हूँ कि ज़िगज़ैग लाइन का कहाँ यूज़ होगा, सर्कल का कैसे यूज़ करना है। तो ये मैंने यहाँ से स्टार्ट की थी, सेकंड ये मैंने यहाँ से स्टार्ट की है। सो फ्रेंड्स, हैंड प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी कुछ शेप्स पहले से बना के रखे हैं जो बेसिक में आपको हैंड प्रैक्टिस के लिए यूज़ होंगे। सो ये आप देख सकते हो, इससे प्रैक्टिस के लिए आपको इजीली तो बेसिक एलिमेंट्स जो यूज़ होने वाले हैं हैंड प्रैक्टिस के लिए, ऑलरेडी मैं अपने स्टूडेंट को क्लास में टीच करती हूँ, वह आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपको यूज़फुल होंगे, इससे आपकी मेहंदी और इम्प्रूवमेंट होगी। ये ओनली फॉर जो है आपके हैंड कंट्रोल के लिए है। इसका लिंक जो रहेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको वहाँ से लिंक से ये डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर ये है हमारी स्ट्रेट लाइन, इसमें मैंने पूरा दिया है डिटेल में कि कहाँ से मेरी लाइन स्टार्ट हुई है, कहाँ पे ख़त्म हुई है, और बोल्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्रॉस लाइन जो है वो इस तरीके से मैंने डिटेल में बताया है। सो फ्रेंड्स, आपको ये इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करके आप मुझे फ़ोटोज़ या वीडियो जो है आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक मेरे जो पेज है उसके ऊपर आप मुझे टैग करके या पर्सनल मुझे सेंड करके आप बता सकते हो। मैं ट्राई करूँगी कि उसमें जो भी आपकी मिस्टेक है या आपकी कहाँ पे गलती है वो मैं आपको उसमें बता दूँगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।